तो देखो आपको कुछ ऐसा पोजीशन रहता है जब आप राइड करते हो इसको, और ये ना मतलब शॉर्ट राइड के लिए ठीक है, अगर आप कहीं लंबी राइड करोगे ना इस पे तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो छपरी लिखोगे अगर बाइक पे KTM भी आती है, ट्रेंडिंग माइक में R15 आ जाती है। हर महादेव नया दिन नई शुरुआत, शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। काफी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, बिकॉज भाई बहुत ज्यादा बिजी था घर के कामों में, और घर के काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं करोगे तो भाई घर से पड़ेंगी गालियां। और सामने खड़ी है भाई मेरे दो बाइकें, एक है अपनी RS 200 और दूसरी अपनी यामा की R15M। क्या डिफरेंस है दोनों में, कितना प्राइस रेंज है और क्या एवरेज दे रही है, क्या खर्चे इनके, सारे बताने वाला हूं मैं आज आपको इस वीडियो में। और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, कि भाई कौन सी बाइक आपको ज्यादा सुटेबल रहेगी आपकी डेली लाइफ के लिए। और चलो शुरू करते हैं वीडियो लेट ना करते हुए। चैनल पे नहीं हो चैनल को लो सब्सक्राइब। तो गाइस ये खड़ी है अपनी बीस्ट, ये है अपनी RS 200 जो कि है मेरी, और ये है अपनी R15M जो कि अपने दोस्त की। तो सबसे पहले बात करें भाई RS 200 का, लुक देख लो आप थोड़ा सा एक बार कैसा लग रहा है भाई, बहुत सेक्सी लुक है, मतलब फुल्ली स्पोर्टी बाइक है भाई, मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं पावर की, सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है आपको लिक्विड कूल्ड, और 200cc का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 का हॉर्स पावर एंड 18.4 का NM टॉर्क। और वहीं बात करें हम R15M की, तो इसमें मिल जाता है आपको 155cc का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 18.4 का हॉर्स पावर एंड 14.2 का NM टॉर्क। पावर के मामले में भाई दोनों बाइक अपनी अपनी जगह भाई बहुत तगड़ी है। कर लेते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट से आप RS 200 को देख पा रहे होंगे, डबल प्रोजेक्टर दे रखा है इसमें आपको, और जो इंडिकेटर दे रखे हैं वो है LED, फुल्ली LED, और साथ में आप DLL देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों तरफ दे रखे, जिसको कि हम आईब्रो बोलते हैं। और वहीं अगर बात करें R15M की, तो इसमें भाई आपको दे रखा है सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि छोटा सा है पर बहुत पावरफुल है, और वहीं पर आपको दे रखा है DRL। और बात करें 2022 मॉडल है, तो भाई इसमें जो इंडिकेटर दे रखे हैं आपको वो दे रखे हैं नॉन LED इंडिकेटर। अभी जो आई है 2023 मॉडल उसमें आपको मिल जाता है LED इंडिकेटर। और सस्पेंशन की बात करें फ्रंट में, देखो आप RS 200 भाई कैसी है देख पा रहे हो आप, नॉर्मल सस्पेंशन दे रखे हैं इसमें। और वहीं अगर R15M की बात करें, तो भाई जो इसमें सस्पेंशन दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके अप्स एंड डाउन, और इसने भाई अपने आप को अपग्रेड किया है इसमें। मतलब R15 जब वन आई थी ना, वर्जन वन आई थी, तो आज चल रही है वर्जन 4, और ये इसका एक और मॉडल है R15M। और वहीं अगर RS 200 की बात करें, तो बजाज वालों ने भाई बिल्कुल काम नहीं किया इस पे, जैसी पहले आती थी आज भी वैसी आ रही है, कोई चेंज नहीं है। बस हाँ 2023 में क्या चेंज हुआ है, जो आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता था वो इसमें नहीं था, तो 2023 वाले मॉडल में आपको मिल गया जो कि अब आपको यहाँ पर शो करेगा। इसमें अभी है नहीं तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको स्पीडोमीटर कुछ ऐसा देखने में। और ये करते हैं भाई इसको हम स्टार्ट एक बार, तो ये हो गया आपका स्पीडोमीटर स्टार्ट, ये आपका RPM मीटर दे रखा है, स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप मीटर आपका ये रहा, फ्यूल गेज आपका ये रहा, और थोड़े जो आपके बैटरी बूटरी के हैं वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। कुछ ऐसा हैंडल है, नॉर्मल हैंडल है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि फंक्शन नहीं है, तो भाई बटन क्या ही होंगे, ये आपका ऑन ऑफ का हो गया, ये आपका लाइट का हो गया, ये आपका सेल्फ हो गया। और लेफ्ट साइड की बात करें तो लाइट हाई बीम लो बीम, और ये आपके इंडिकेटर, और ये आपका हॉर्न आपको दे रखा है। वहीं अगर बात करें R15M में क्या चेंज है, तो सबसे पहले तो भाई ये देखो आप इसका स्पीडोमीटर, और ये मैंने किया ऑन R15, तो भाई ये इसका कुछ ऐसा स्पीडोमीटर है जो कि है फुल्ली डिजिटल, सब कुछ दे रखा है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, ABS लाइट ऑन ऑफ का है, और ये अपना लोगो यामा का। कुछ ऐसा हैंडल दे रखा है इसमें, अपने में क्या है ना, स्टॉप और ऑन का बटन अलग है और सेल्फ का बटन अलग है, इसमें कंबाइन दे रखा है, सब कुछ एक में ही दे रखा है। ये आपका हैजार्ड है, जैसे कि मैंने अपनी बाइक में हैजार्ड लगा रखा है, बटन दबाऊंगा तो आपका हैजार्ड ऑन होगा। इसमें क्या है, आपको कंपनी साइड से बटन मिल जाता है आपको हैजार्ड ऑन ऑफ करने का, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। और अपना जैसे आप देख पा रहे हो स्ट्रीट मोड है और इसमें एक ट्रैक मोड है, तो उसके लिए आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, जो आपको सेटिंग शूटिंग करनी है, से अपना ट्रिम मीटर 01 करना है तो यहां से कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड की बात करें तो भाई वही सेम हाई बीम लो बीम और आपका इंडिकेटर का। टैंक बता दूं मैं आपको, टैंक है इसमें मिल जाता है आपको 11 लीटर का R15M में, और वहीं RS 200 का जो टैंक है वो है आपका 13 लीटर का। जब बात करते हैं टायर सेक्शन की, तो भाई दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट जो टायर है वो मिल जाता है 100/80 का ट्यूबलेस टायर है दोनों बाइकों में। और बैक टायर की बात करें तो दिखाता हूं जरा आपको एक बार, बैक टायर 200cc की बाइक है ये, और इसका बैक टायर देखो कैसा सा है, तो साइकिल में लगाए थे ना टायर को, वो वाला टायर है 130 का दे रखा है मात्र। और वहीं अगर बात करें भाई एम का, तो भाई 140 का, जिससे कि जो बाइक का जो पीछे का लुक है ना भाई काफ़ी अच्छा लगता है। बैक साइड से आप देख पा रहे होगे आप इसकी टेल लाइट कैसी है, बहुत अच्छी है, अंडर द सीट दे रखी है। और वहीं पर अगर बात करें इंडिकेटर की, तो नॉन LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, ये आपका नंबर प्लेट का सेक्शन है। वहीं अपना RS 200 का भाई कुछ डिफरेंट ही भाई लाइट बनाई है उन्होंने, बैक लाइट बिल्कुल डिफरेंट, और इंडिकेटर नॉन LED दे रखे हैं, और ये आपका नंबर प्लेट का सेक्शन है। किसी ने मोड़ दी, पता नहीं किसने मोड़ी है, चलो वो तो बाद में देखेंगे। और दोनों ही बाइक आपको भाई ड्यूल डिस्प्ले मिल जाती है, देख पा रहे हो डिस्प्ले इसमें भी लग रही है पीछे और इसमें भी लग रही है, और दोनों ही बाइक भाई ड्यूल चैनल ABS में आपको मिल जाती है। वैसे आप देख पा रहे हो साइड मिरर भाई दोनों ही बाइक में आपको बिल्कुल नॉर्मल से मिल जाते हैं, ये देख पा रहे हो आप सिंपल से, और उसमें भाई
बिल्कुल सिंपल से मिल रहे हैं आपको। अब बात कर लेते हैं भाई बॉडी टाइप की, तो भाई आपको फुल्ली स्पोर्ट लुक मिल जाता है अपनी आर एस 200 पे, और भाई आपका R15 MB आपको फुल्ली स्पोर्ट मिल जाती है। देख पा रहे हो क्या है ये भाई प्लास्टिक की बॉडी, मतलब इसमें भी वैसी है और सेम अपना R15 M में भी वैसी बॉडी आपको मिल जाती है फाइबर में। और बात कर लेते हैं भाई सीट का, देख पा रहे हो आप स्प्लिट सीट दे रखी है इसमें आपको। एक बात बहुत अच्छी है आर एस 200 की, जो इसकी सीट है ना राइडिंग राइडर के लिए भाई बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्ट है, और भाई पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी है। और भाई अगर बात कर ले हम R15 M में, तो आप देख पा रहे हो कितनी पतली सीट है, देख रहे हो कोई कुशन नहीं है, मतलब बहुत हार्ड है, लॉन्ग राइड पे ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और बैक सीट की बात करें तो भाई पिलियन तो भाई ढंग से बैठ नहीं पाता क्योंकि झुक जाता है बिल्कुल राइडर के ऊपर, अपना ये वाला चीज़ ना आर एस 200 में है नहीं। तो एक बार आपको दिखाता हूँ बैठ के, मेरी हाइट है 5'8", तो भाई ये देखो मेरे पैर ऐसे आ रहे हैं। सीट हाइट की बात करें तो भाई 810 mm की भाई सीट हाइट है। वहीं अगर R15 M की बात करें, दिखा दो आपको इस पर बैठ के एक बार कैसी सी इसकी भाई सीट हाइट है और कैसा लुक आता है बैठने पे, तो भाई कुछ ऐसी सी भाई इसकी सीट हाइट है, देख पा रहे हो कि 815 mm की सीट हाइट है। और वहीं हैंडलिंग की बात करें तो देखो आपका कुछ ऐसा पोजिशन रहता है जब आप राइड करते हो इसको, और ये ना मतलब शॉर्ट राइड के लिए ठीक है, अगर आप कहीं लंबी राइड करोगे ना इस पर तो आपकी हाथ गए और वहीं आपकी कमर जाती है। और प्लेन की बात है, वो मैं ऐसे बैठा हूँ और पीछे प्लेन बैठेगा तो वो कहाँ बैठेगा, पीछे बैठेगा, और उसका झुकाव कहाँ होगा, मेरी तरफ को ऐसे, मतलब उसका भी प्रेशर मेरे ऊपर, मेरा प्रेशर तो है ही मेरे हाथों के ऊपर, उसका ही प्रेशर मेरे ऊपर, और फिर डबल वेट आपके हाथों के ऊपर। तो लॉन्ग राइड के लिए भाई अपना R15 बन ही नहीं है, बट हाँ आर एस भाई 200 की भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब दिखाता हूँ आपको दोबारा एक बार, देखो यहाँ बैठता हूँ, देखो मैं ये देखो कुछ ऐसी मेरी राइडिंग पोजिशन रहेगी, तो देख पा रहे हो आप कितना फर्क है, इसमें ऐसे झुक गया था मैं और इसमें मैं कैसे एकदम स्टेबल भाई हूँ। तो अपना इसमें क्या है कि आप लॉन्ग राइड बहुत इजीली कर सकते हो, सीट बहुत कंफर्ट है उसकी, तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई थोड़ा कम है इसका, इसका है 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और उसका अच्छा है, इसका है 70, क्योंकि इंडिया में ना ब्रेकर बहुत है। अभी भी मैं जब आ रहा था तो मेरी बाइक भाई ब्रेकर पे लग गई थी और ये बाइक इजीली निकल जाती है भाई वहाँ से। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और थी जो कि मैं मतलब हर बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई राइडर के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसका वेट भाई 166 kg, इसका भाई 142 kg, देख रहे हो आप फुली स्पोर्ट ये भी है, फुली स्पोर्ट ये भी है। सिर्फ यही कारण है कि अपनी आर एस 200 कहीं ना कहीं अपनी R15 से पीछे रह जाती है, वो भी सिर्फ टॉप एंड में, जो कि लोग भाई मानते हैं इस बात को, शायद आप भी ये चीज़ मानो मेरी। और सीरियसली बताऊँ मैंने अपनी बाइक भगा रखी है 152, तो मैंने अपनी भगा रखी है ये, और मैंने जब R15 चलाई थी तो 155 चलाई थी, मतलब 155 का मैंने ड्रैग किया था, 155 पे जा रही थी ये, और ये वहीं पर 152 पे टक गई थी, समझ रहे हो। तो मतलब ये फर्क है भाई, हर एक राइडर के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट बाइक में बताऊँ क्या चीज़ होती है, वो है उसका एग्जॉस्ट नॉट, जो कि हर एक बाइकर को चाहिए कि भाई बहुत अच्छा हो, बहुत लाउड सा हो। पर ऐसा तो है नहीं कि भाई 200 cc का इंजन बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर पाए, बट हाँ जैसी भी है वो साउंड आपको मैं सुनाता हूँ एक बार। इसमें ना क्या एग्जॉस्ट होता है जो कि यहाँ लगता है छोटा सा, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि उसको लगा के और हटा के सेम ही साउंड आती है। तो एक बार भाई करना ग्राउंड, तो भाई ये इसका भाई साउंड है नॉर्मल, अभी भाई ऐसा मत करो बार बार बंद मत करो एक बार रैप करना और तेज, बस 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 सुन पा रहे हो आप, मतलब काफ़ी बेसी हो जाता है। और भाई जब चलाता हूँ ना बाइक को मैं और ऐसे जब साउंड सुनता हूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। अब बात कर लेते हैं R15 M की, इसका कैसा है एग्जॉस्ट, देखो भाई कितना बड़ा सा दे रखा है इसमें, देख पा रहे हो आप काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट दे रखा है। अब इसके साउंड सुन लेते हैं साउंड कैसी है भाई, एक बार स्टार्ट करना भाई, खड़ी खड़ी हो गियर में डाल रहे हो तुम यार, तो भाई ये स्टार्ट होगी नॉर्मल साउंड कुछ ऐसा है इसका, रैप करना भाई एक बार और तेज बस 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 बस। तो सुन पा रहे होगा भाई साउंड कैसा है, स्मूथ है इसका भी। और एक चीज़ और बताऊँ, R15 लुक जितने पर भी चेंज हुआ है भाई काफ़ी डिफरेंट ही चेंज हुआ है, 1 कैसी थी, 2 कैसी आई, 3 कैसी आई, 4 कैसी आई, बस 4 और M जो है भाई पूरी सेम है, थोड़ा बहुत क्यूक शिफ्टर का फ़र्क है, इसमें क्यूक शिफ्टर मिल जाता है आपको और बाकी भाई है नहीं। और भाई आप ये देखो एक बार, अलाव देख रहे हो कलर ब्लू रंग का, अब यही चेंज करा है अपनी R15 ने, बस लुक कहीं से भी चेंज नहीं हुआ अभी तक, जैसी आई थी वैसी की वैसी है। तो बात कर लेते हैं भाई इसकी एवरेज कितनी है, अपनी बाइक भाई सिटी में देती है 25 की एवरेज और हाईवे पे देती है 30 का एवरेज। वहीं अगर बात करूं मैं भैया R15 यामा के M की, तो ये क्या देती है एवरेज, क्या लगता होगा आपको, तो बता दूं भाई इसका भाई सिटी का जो इसका एवरेज है 35 से 40 के बीच में चला जाता है। और वहीं अगर इसकी एवरेज की बात करूं हाईवे पे, तो हाईवे भाई एक अप्रोक्स 45 के लमसम दे देती है। और सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं, वो बताएंगे इसके ओनर की, भाई मुझे मेरी बाइक का पता है कि क्या सर्विस चार्ज लगते हैं, क्या सर्विस कॉस्ट पड़ती है इसकी। भाई अभी तक तो सर्विस इसकी 2 ही हुई है, और अभी मैंने पहले ही बता दिया कि ये नवंबर में परचेस की थी मैंने, तो अभी दोनों सर्विस फ्री हुई है, तो एक में
सर्विस चार्ज जो गया है वो 900 रुपए गया है और एक में शायद 1500 गया था क्योंकि मैंने ब्रेक पैड भी शायद चेंज करवाए थे। और इसमें जो है कई लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है, लेकिन 1 लीटर इंजन ऑयल नहीं डलता है, इसमें 850 ml नाप के बिल्कुल सही से, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो भाई डब्बा तो पूरा लेना पड़ेगा ना, ये 850 का भी डब्बा आता है वो चार्ज ही इतना करते। तो मेरी वाले को बताओ मेरी वाले कितना लगता होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी सी कॉस्टली क्यों है भाई, इसमें जो इंजन ऑयल आता है ना वो थोड़ा ज्यादा आता है, 1 लीटर से ज्यादा आता है, तो वहीं इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और बाकी चीज तो भाई सस्ती है, इसकी ब्रेक पैड जैसे सस्ते हैं, इसके काफी महंगे हैं, है ना, बहुत महंगे। इसके पीछे के 950 रुपए के हैं। आपको एक बात पता है कि ये बाइक 2 लाख के अंडर में आती है वो नहीं आती। हाँ तो भाई दोनों बाइक में कम से कम 25 से 30 हजार का फर्क होगा, है ना, 25-30 हजार का फर्क होगा। तो आप कौन सी बाइक दोनों में पसंद करते हो लेना, सही सही दिल से? मेरे को दिल से बताऊं तो ये ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज ये जो है 4 वर्जन आ चुके हैं। अच्छा, 4 वर्जन आ चुके हैं इसके, और पता ही है, और अभी भी ये 2023 में भी सेम ही मॉडल आता है। ये तो बात ठीक है भाई, उसके 4 वर्जन आए हैं और भाई चारों ही भाई डिफरेंट है बिल्कुल। बजाज आर एस 200 में ना सिर्फ एक ही वर्जन था, वो ये आप देख पा रहे होंगे, बस इसमें इन्होंने चेंज किया है, कलर में चेंज है, और कभी चेसिस में कलर डाल दिया, कभी अलॉय में कलर डाल दिया, बाकी कोई चेंज है। 2023 में पता क्या चेंज किया इन्होंने भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतना बड़ा चेंज किया है ना, इतना बड़ा चेंज किया है, इतना बड़ा चेंज कि आदमी पकड़ाया था। सिर्फ आपको ना गियर सिर्फ इंडिकेटर दिया है मात्र, और यही कारण है कि भाई ये सस्ती है और वो महंगी है, क्योंकि उसमें भाई सोकर देख पा रहे हो आप, सोकर कैसे हैं, और इसके सोकर बहुत नॉर्मल है जो कि सस्ते आता है, इसलिए तो भाई प्राइस में काफी डिफरेंस दोनों बाइक में आया। तो भाई मेरी तो भाई फेवरेट यही है, और आने वाले टाइम में अगर ये गाड़ी अपग्रेड होती है तो भाई मैं इसी को लूंगा। तो भाई बजाज वाले से एक अपील है कि भाई कुछ तो चेंज कर दो इसमें, ऐसा कुछ चेंज करो जिससे कि मतलब मार्केट में और इसकी डिमांड बढ़े। भाई कंपैरिजन इतना ही था, बता दिया मैंने आपको दोनों बाइक के बारे में। मेरी तो भाई फेवरेट हमेशा यही रहेगी और भाई की फेवरेट हमेशा वही रहेगी, क्योंकि ये यामा लवर है और भाई मैं RS 200 लवर हूँ, बजाज में RS 200 लवर हूँ, बाकी मुझे कोई पसंद नहीं आती। KTM के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि हमारे लड़कों ने खरीद रखी है KTM, बजाज वालों ने खरीद रखी है KTM इंडिया में, शायद पता होगा, जिनको नहीं पता तो भाई वो जान लो, गूगल कर लो एक बार जाकर। KTM की बात कर रहा था मेरा रवि भाई, तो बता दूं भाई KTM वालों को लोग छपरी बोलते हैं। मेरा मानना है कि भाई सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, आपकी क्या है भाई? भाई KTM की देखो ऐसा हिसाब किताब है, देखो उसने बजाज ने उसको ओन कर रखा है पूरी पूरी तरीके से, बहुत ही कम पार्ट है जो KTM बनाती है, सारा का पार्ट जो है बजाजी बनाती है। और गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो छपरी लिखोगे अगर बाइक में तो KTM ही आती है, ट्रेंडिंग बाइक में R15 आ जाती है, R15 भी आएगी, MT आ जाएगी, ज्यादा मत करो। तो गाइस वीडियो आज की यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको ऐसी किसी बेहतरीन सी कंपैरिजन वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय, जय सियाराम।